हेडलाइन पर। किसानों के साथ धोखा किया है गहलोत सरकार ने वसुंधरा राजे। ईबीफिन स्टैंप डील ने यूनिकॉमर्स रद्द किया। यूएई में बीवी की मौत पर भारतीयों को देना पड़ा 38 लाख। अब खबरें विस्तार से। किसानों के साथ धोखा किया है गहलोत सरकार ने। संपूर्ण कर्ज माफी का वायदा था, आज तक एक पैसा भी माफ नहीं हुआ। वसुंधरा राजे सीएम अशोक गहलोत सरकार की ओर से की गई किसान कर्ज माफी पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। वसुंधरा ने एक के बाद एक कई ट्वीट किया है, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है। ईबी फिल्म स्नैपडील ने यूनिक कॉमर्स किया रद्द। ईबी फिल्म इन्वेंशन ने कहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्नैपडील की असुंजित यूनिफॉर्म है। अधिग्रहण के लिए करीब 120 करोड़ रुपए का सौदा निरस्त कर दिया है। ईबी फॉर्म ने एक नियम किया सूचना में कहा कि हमको सूचित करना चाहते हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जरूरी शर्तों को पूरा नहीं किए जाने पर शेयर खरीदना समझौता निरस्त कर दिया गया है। यूएई में बीवी की मौत, भारतीयों को देना पड़ा 38 लाख। हैदराबाद संयुक्त अरब अमीरात यूएई में एक शख्स को लापरवाही से गाड़ी चलाने की सजा 38 लाख रुपए जो जुर्माना देकर चुकाना पड़ा। कोर्ट ने शख्स की पत्नी की मौत के बाद बेटे को इस राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस इंडिया पाजी प्रेस से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक।